विश्व निमोनिया दिवस हर एक साल 12 नवंबर को मनाया जाता है। निमोनिया फेफड़ों का एक संक्रमण है जो वायरस और बैक्टीरिया के कारण सबसे अधिक होता है। यह संक्रमण आमतौर पर संक्रमित लोगों के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। सर्दी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन निमोनिया का खतरा बच्चों में बढ़ जाता है। वहीं निमोनिया के कारण कोरोना संक्रमितों की भी लगातार मौतें हो रही है, क्योंकि कोविड निमोनिया वायरस फेफड़ों को बर्बाद कर देता है। निमोनिया के लक्षण हल्के से गंभीर तक हो सकते हैं, जो संक्रमण के कारण रोगाणु के प्रकार और उसकी उम्र और स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। सामान्य लक्षण अक्सर सर्दी या फ्लू के समान होते हैं, लेकिन लंबे समय तक रहते हैं। दूसरे लक्षण हैं सांस लेने या खांसने पर सीने में दर्द, खांसी जो कफ पैदा कर सकती है, बुखार, पसीना और कपकपी से ठंड लगना, उल्टी या दस्त, सांस लेने में परेशानी। हमारे यहाँ रिम्स में जितने आए हैं मरीज, उसका हम मान सकते हैं कि 10 से 15% कम से कम 10 से 15% पेशेंट्स को निमोनिया हुआ, और जिनको भी हुआ उनको अच्छा खासा ऑक्सीजन थेरेपी देने की जरूरत पड़ी। वहीं कोरोना काल में कोविड मरीज में निमोनिया के कारण दूसरे अंग भी काम करना बंद कर देते हैं। 60 साल से ज्यादा उम्र, मोटापा, डायबिटीज और हार्ट, किडनी और लीवर संबंधी बीमारी से जो पीड़ित हैं, ऐसे मरीज हाई रिस्क जोन में होते हैं। ऐसे मरीजों में कोरोना निमोनिया का रूप ले लेता है, जो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में परिवर्तित हो जाता है, और ये गंभीर स्थिति है। सीवियर निमोनिया से DIC की स्थिति हो जाती है, जिसमें खून की नलियों में थक्के जम जाते हैं। इससे BP कम होने के साथ साथ दूसरे अंग काम करना बंद कर देते हैं। कोविड निमोनिया जो है वो दो तरह से इफेक्ट करता है। लंग्स में, लंग्स के जो पैरेंकाइमा है उनको तो ये डैमेज करता ही है, जिसकी वजह से हम लोग, जो अभी मैं बता रहा था कि निमोनिया का जो आखिरी सीवियर स्टेज होता है, जिसका एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बोलते हैं, क्योंकि लंग्स में जो खून सप्लाई होता है कैपिलरीज एंड जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, उस सर्कुलेटरी सिस्टम में भी खून के थक्के जम जाते हैं। बच्चों में सर्दी के मौसम में निमोनिया का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन लोग इसे साधारण सर्दी खांसी समझकर लापरवाह हो जाते हैं, जबकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। अगर इसका समय रहते सही तरह से इलाज ना किया जाए तो ये गंभीर स्वास्थ्य समस्या पैदा कर सकता है। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से सहयोगी अभय के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट।